अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम बना रहे हैं जी चिकन का सालन। और इसके लिए हमने एक पैन ले लिया, इसमें गरम तेल। और अब हम इसमें गरम तेल के बाद डालेंगे हम इसमें प्याज, क्योंकि तेल गरम हो चुका था तो हमने सोचा जल्दी से जल्दी वीडियो शुरू कर दें। और ये जी गरम तेल में हमने प्याज ऐड किया और अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि वो जले नहीं, क्योंकि तेल काफ़ी जो है ना वो गरम होके तप गया था मेरे पे। तो ये जी प्याज, A few moments later. और थोड़ी ही देर बाद प्याज मैं बाकी चीज़ें प्रिपेयर कर रही थी और थोड़ा ज़्यादा लाल हो गया। बहरहाल कुछ नहीं किया, आगे जी टमाटर। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। और कैमरा कुछ ज़्यादा ख़राब दिखा रहा है, अदरवाइज़ जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह सही है, बचत हो गई हुई है। और फिर भी मैंने कोशिश की इसमें से थोड़ा थोड़ा जो है ना वो साइड पर कर दूँ। ये जी टमाटर और हरी मिर्चें को कट लगा के हमने इसमें डाल दिया है। और ये बड़ी वाली जो मिर्चें हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्ट जो है ना वो ऐड करती हैं। और अब हम इसमें डालेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमारा हरा हो गया हुआ है, तो पर फिर भी क्या डालेंगे। और ये आ गया जी हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इसको हम अच्छे से वेल मिक्स करेंगे। और कैमरा को ज़्यादा सूरत सी प्याज दिखा रहा है, रियल में तो सही है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम स्पाइसी ऐड करेंगे जी। नमक आ गया 2 चम्मच नमक, और लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, और बुरी आवाज़ के लिए बड़ी माजरत, आवाज़ थोड़ी ख़राब है मेरी, तबीयत ही नहीं सही, मैं औरत भी नहीं सही। और ये आ गया जी हल्दी आ गई हमारी, और हल्दी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, कुटी हुई मिर्चें और धनिया पाउडर। इसलिए थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए क्योंकि वो ना शोरबे को गाढ़ा रखता है, तो इसलिए हम उसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे। ये आ गया जी हमारा धनिया पाउडर, और ये 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर भर भर के। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके मैश कर देंगे। और ये हमारी चिकन, और ये जी हम इसमें ऐड करते हुए पहली लात मार दी हमने हांडी को मुर्गी की। और अब हम इसमें आलू मुर्गी ऐड करके इसको इस तरह से भून के मिक्स करेंगे ना, बस मुर्गी आलू भी कहें कि भाई किसी ने भुना था, ऐसा भुना था कि बस भून भून के पका दिया था। तो ये जी 5 मिनट कंटिन्यूसली इसको हम इतना मैश कर करके भून रहे हैं ताकि जो है ना वो एक अच्छे सा जो है ना सालन हमारे सामने तैयार हो कर आ जाए, क्योंकि जूसी चलता नहीं है। और अगर वो जिस तरह टमाटर प्याज ऊपर होते हैं तो वो भी नहीं चलता घर में, तो इसलिए हम इस पर थोड़ी मेहनत करते हुए। Thank you.
ये जी हम पानी ऐड कर रहे हैं और आप अपने हिसाब के मुताबिक कर सकते हैं। मैं तो इसमें 3 गिलास पानी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा शोरबे वाला सालन अच्छा लगता है। आप चपाती हो या बॉयल्ड राइस इसके साथ ले सकते हैं। और ये आ गया जी 2 गिलास। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।